टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा, ये इतना ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है कि इस पे न जाने कितनी सारी मूवीज, सीरीज या टीवी शोज बन चुके हैं और अक्सर लोगों को काफी पसंद आते हैं, क्योंकि टाइम ट्रेवल एक ऐसा मीडियम है जिसमें नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, जिसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है। और हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाए जिसका इस्तेमाल करके आप प्रेजेंट में हो रही प्रॉब्लम्स को पास्ट में जाकर सॉल्व कर सके, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, तो है ना काफी ज्यादा फैसिनेटिंग। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एनिमे है जिसका नाम है इरेस्ड, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, जिसमें मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर जैसे एलिमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट किया गया है। और जैसे जैसे आप एपिसोड्स देखते जाएंगे, आपका एक्साइटमेंट लेवल इस कदर बढ़ जाता है दोस्तों कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये एनिमे कब खत्म हो गया, क्योंकि इस एनिमे में दिखाए गए एपिसोड्स केवल 12 है, जिसे आप एक से दो दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं दोस्तों। एनिमे के प्लॉट के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसका नाम होता है सातोरु फुजीनुमा, जो कि एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट होता है और साथ ही साथ पिज्जा पार्लर में एज अ डिलीवरी मैन भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि सातोरु फुजीनुमा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पेशल पावर होल्ड करता है जो कि कुछ इस तरीके से काम करती है कि अगर इसके आसपास कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली है, चाहे वो किसी का एक्सीडेंट हो या किसी का मर्डर, और उसे रोकने के लिए सातोरु को अपने आप 2 से 5 मिनट पहले पता चल जाता है, ताकि वो समय रहते उस दुर्घटना को होने से पहले ही रोक दे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 2 से 5 मिनट के अंतर में सातोरु को पहले ही पता चल जाता है कि उसके आसपास कौन सी ऐसी दुर्घटना होने वाली है, ताकि वो समय रहते उस चीज को रोक सके। लेकिन एक दिन अचानक सातोरु की लाइफ में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, या मैं कहूँ कि उसके अपने के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे ठीक करने के लिए सातोरु पूरे 18 साल पीछे चले जाता है दोस्तों। नॉर्मली सातोरु 2 या 5 मिनट पहले पीछे जाता था, लेकिन इस बार प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई है जिसे ठीक करने के लिए सातोरु को 18 साल पीछे जाना पड़ा है, जो कि इस शो का काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और जैसे ही सातोरु स्कूल टाइम में जाता है, उसे याद आता है कि उस टाइम पे भी किडनैपिंग और मर्डर से रिलेटेड चीजें हुई थी। तो ये है शो का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, और इन सब में हमें एज अ ऑडियंस काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, जो शो को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और जैसे जैसे आप एपिसोड्स देखते जाएंगे, हर एपिसोड में आपको एक ऐसा क्लिफहैंगर जरूर मिलेगा जो आपको दूसरा एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देता है। और एक खास बात, ये एनिमे की एक लाइव एडेप्टेशन भी बनी है दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि इसमें केवल 12 एपिसोड्स ही है, और इसी वजह से अक्सर लोग इसे एक बार में ही खत्म कर देते दोस्तों, पता ही नहीं चलता कि ये एनिमे कब खत्म हो गया है। और दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये एनिमे मुझे कैसा लगा, तो एज अ सस्पेंस लवर मुझे एनिमे काफी पसंद आया। नॉट अ परफेक्ट एनिमे, लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं वो काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किए गए हैं। A1 पिक्चर्स ने इसकी एनिमे अडैप्टेशन की है, और कहना पड़ेगा कि इसकी जो एनिमे अडैप्टेशन है वो काफी बढ़िया है दोस्तों। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अक्सर सस्पेंस थ्रिलर वाले जो शोज होते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो होता है म्यूजिक। और कहना पड़ेगा जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिचुएशंस के साथ काफी अच्छी तरीके से बैठता भी है दोस्तों, जो कि शो के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होता है, जिससे ऑडियंस का जो एक्साइटमेंट लेवल है शो के दौरान कायम रहता है। तो इरेस्ट पर वीडियो बनाने का पॉइंट सिर्फ इतना था दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूँ जिनमें मैं कवर करूँ उन एनिमेस के बारे में जिनके लिमिटेड नंबर ऑफ एपिसोड्स है। ये सीरीज उनके लिए काफी अच्छी होने वाली है जिनकी प्रेफरेंस शॉर्ट एनिमे सीरीज है, ताकि वो उन्हें 1 से 2 दिन में आराम से खत्म कर सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।